अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध, अरे निशाना तो लगा, और फिर देख सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, राधे राधे। और आज की टेस्ट सीरीज पूरी ऊर्जा पूरे जोश के साथ क्लास में शामिल होइए। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के आज के प्रश्न हमेशा की तरह टेक्निकल हैं। बेसिकली मैं टेक्निकल प्रश्नों को लेके ही आ रहा हूं, तो फिलहाल सभी छात्र और छात्राएं जल्दी से क्लास में आइए और हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला ही प्रश्न काफी टेक्निकल सा होगा, डिटेल इसमें काफी है। आप देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल में पुरातत्व वेत्ताओं ने एक मध्य शहर की खोज की है जो नगर दुर्ग और निम्न शहर लोअर टाउन से भिन्न है। चार ऑप्शन है आपके पास, सुरकोटदा है, धौलाबीरा है, डैमाबाद है और लोथल है। वो कह रहे हैं कि मध्य शहर की बात हो रही है। और गाहे बिगाहे हम लोगों ने चर्चा भी की है कि कौन सा एक ऐसा शहर था जिसकी नगर योजना त्रिखंडीय थी। त्रिखंडीय मतलब नगर योजना तीन खंडों में विभाजित थी, और जो बीच का प्राचीर युक्त क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र जिसे कहा गया है, इसे पुर या मध्यमा कहा गया है। तो ऑप्शन है और समान, मुझे लग रहा है कि सब लोग सामान्य भाव से जवाब दे पाएंगे और जवाब यहां पे सही है। बिल्कुल रिप्लाई करिए, धौलाबीरा है। क्लियर है ना? अगर कहिए तो कुछ थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूं। यहां पे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सामान्य तौर पे नगर दो खंडों में विभाजित है, ये तो पता ही है आपको। जैसे कि दो खंडों में विभाजित है, तो जो पश्चिमी टीला है वो छोटा है, ऊंचा है और दुर्गीकृत है। जो पूर्वी टीला है वो बड़ा है, नीचा है और दुर्गीकृत नहीं है। ये एक सामान्य बात है। कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे आपने देखा धौलाबीरा को त्रिखंडीय योजना है, उसकी तीन खंडों में विभाजन है। ठीक इसी तरह कालीबंगा का निचला नगर भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। सामान्य बात है, ये विशेष बात है। केवल दुर्ग टीला ही घिरा होता था, कालीबंगा एक ऐसा नगर है जिसका निचला नगर भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान रखिएगा, लोथल इस मामले में अपवाद है कि लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में स्थित है और संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसी तरह एक प्रश्न और आया है कि ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग टीले के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते? तो जवाब आपको पता है, चंदड़ो है, और नगर योजना से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो नगर नियोजन को आप कृपया अच्छे से कंठस्थ करिए, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, एक भूरे पत्थर की बनी नृत्य मुद्रा में खड़ी पुरुषाकृति जिसके कंधे मुड़े हुए हैं, एक पैर उठा हुआ है, बाद के काल के नटराज की याद दिलाता है, ये कहां से प्राप्त होता है? शॉर्ट कर दें तो ऐसे कह सकते हैं कि वो नटराज शिव की जो कालांतर में जो संकल्पना है उसका सूक्ष्म रूप किस नगर से मिला है? मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, चंदड़ो है। और अगर कहीं गलती से मोहनजोदड़ो चुन रहे हैं तो गलत है, और वो है हड़प्पा। क्लियर हुआ? वो है हड़प्पा। क्लियर हुआ? वो एक भूरे पत्थर की काले स्लेटी पाषाण, ऐसा कह सकते हैं, वो नृत्य मुद्रा में है। और ऐसा अभी थोड़ा सा लेके उस पर क्वेश्चन मार्क भी है कि भाई ये कैसा है, लेकिन सामान्य भाव से
आप ये समझ सकते हैं, वो उसे नटराज शिव की संकल्पना का जो सूक्ष्म स्वरूप है माना जाता है। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस प्रश्न को आप कर पाए, किस उत्तर वैदिक उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा हुई है। त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, चार ऑप्शन है आपके पास, केन उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी और मुंडक। कर पाएंगे जवाब? मुंडक तो नहीं लगाया है, और सही जवाब है मैत्रायणी उपनिषद। त्रिमूर्ति की संकल्पना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न कल्चर में ये ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, हमारे यहां त्रिमूर्ति की संकल्पना है। वो गॉड, गॉड कौन है? जो जनरेटर है, जनरेटर का मतलब वो सृष्टि करता है, ऑपरेटर वो विष्णु है, और डिस्ट्रॉयर वो महेश है। जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, और जो डिस्ट्रॉय कर देता है, जो संहार करता है, वो गॉड है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यही त्रिमूर्ति की संकल्पना पश्चिम में ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कही जाती है, जो हमारे यहां हजारों साल पहले से थी, ध्यान रखिएगा। और फिर आपको पता है वो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो मुझे बताइए, क्या सत्य की विजय हमेशा होती है? ध्यान रखिएगा, अगर ये अल्टीमेट हो जाए कि सत्य की विजय होती है ना, तो सत्य का साथ देने वालों की संख्या 100% हो जाएगी। जब परिणाम निश्चित हो जाए तो साथ देने वालों की संख्या 100% हो जाएगी। सत्य की विजय होती जरूर है, लेकिन बहुत बलिदान, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, विजय होगी ये तो तय है, लेकिन उस विजय का स्वाद चखने के लिए आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात बहुत मायने नहीं रखती। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने वापस जाते हुए अपनी सेना का एक भाग जल मार्ग से किसके नेतृत्व में भेजा था? मुझे लग रहा है क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे आप, और मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं है, और वो है नियारकस, है ना? वो कौन है? वो है नियारकस। विशेष तौर पे इतनी बेहतरीन क्लास, कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट चीजें डिलीवर करूं। आप इस ज्ञान यज्ञ के महाकुंभ में आहुतियां देने से वंचित मत रह जाइएगा, जुड़िए मेरे साथ, ये मेरी कॉल है। क्या पता कौन सी बात कब आपके सिलेक्शन में निर्णायक हो जाएगी। ऑनेस्ट सेक्रेटस कौन है आपको पता होना चाहिए, सिकंदर का जीवनी लेखक है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, पुस्तपाल किसका प्रभारी अधिकारी था? पुस्तक एवं पांडुलिपि, जिला स्तर पर करों का रिकॉर्ड, जिला स्तर पर भूमि क्रय विक्रय, या फिर निगम प्रशासन? और जवाब देना है, सभी छात्र छात्राएं लगभग क्लास में आ चुके हैं, तो मूक दर्शक बन के मत बैठिए, जवाब दीजिए। और यहां पर ये अगर चुना है तो गलत हो जाएगा, और यहां पर है भूमि का क्रय विक्रय। गुप्त काल की बात है ये, और इसकी अनुमति के बिना भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था, और वो अधिकारी है कौन सा? पुस्तपाल। इज दैट क्लियर? डायलेमा की स्थिति मत रखिए, प्रश्न बहुत शानदार हैं, कंफ्यूजन्स को खत्म करिए। लाइफ में जो चीजें मिल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें आपको यहां से डिलीवर हो रही हैं और आपको लगता है कि वो आपके काम की हैं, तो उसे बिना इफ बट के स्वीकार करिए। क्या पता भविष्य में कौन सा प्रश्न निर्णायक रोल प्ले कर जाए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। पार्वती रुक्मिणी एक पुस्तक है, मां पार्वती और मां रुक्मिणी,
जिसमें भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है, किस शासक के द्वारा लिखी गई है? चालुक्य शासक सोमेश्वर, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, या फिर अमोघवर्ष, या फिर नन ऑफ दीज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और विशेषीकृत प्रश्न आपको लग रहा है, लेकिन है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है। शानदार प्रश्न, जवाब दीजिए। और मुझे लगता है कि अगर विकल्पों को ध्यान से देखेंगे और आपने पढ़ा है ना, तो जवाब अपने आप निकाल के दे देंगे, और वो है सोमेश्वर। क्लियर हुआ? वो है सोमेश्वर। और अब बात आ रही है उत्तरापथ स्वामी की पदवी किसने धारण की। उत्तरापथ स्वामी की पदवी किसने धारण की? हर्ष ने, धर्मपाल ने, मिहिर भोज ने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने, मुझे बताइए। और वो अगर जवाब आपने, मुझे लगता है सही जवाब दिया होगा, और जवाब ठीक दे रहे हैं, और वो हैं धर्मपाल। क्लियर है? धर्मपाल, उत्तरापथ स्वामी, वो कहते हैं धर्मपाल। तो फिर हर्ष की उपाधि क्या है, मुझे ये बताइए। हर्ष की उपाधि, वो भी कुछ उत्तरापद जैसी उपाधि लेता है, तो हर्ष की उपाधि है सकलोत्तरापथनाथ। सकलोत्तरा पथनाथ, ध्यान दीजिएगा, सकल उत्तर भारत के मार्गों का स्वामी वो है हर्षवर्धन। उत्तरापथ स्वामी वो है धर्मपाल। क्लियर हो रहा है? इसी तरह दक्षिणापथपति कौन है बताइए, मैं नहीं बता रहा हूं, दक्षिणापथेश्वर। दोनों उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ढूंढिएगा दक्षिणापथपति कौन है, दक्षिणापथेश्वर कौन है, देखिए और रिप्लाई करिए। मुझे आप पर्सनली भी रिप्लाई कर सकते हैं। ये दो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। और वर्करी संप्रदाय में किस संत को विष्णु का 11वां अवतार माना गया है? विष्णु भगवान के 11वें अवतार हैं, नाम मुझे बताइए। और उनका नाम है, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, और वो हैं संत ज्ञानेश्वर। क्लियर हो रहा है? इसी तरह पूछा जाता है गरुड़ के अवतार कौन है, नंदी के अवतार कौन है, श्री राम की चरण पादुका के अवतार कौन है, चक्र सुदर्शन के अवतार कौन है, पता है? पता है? रिप्लाई करेंगे? इन प्रश्नों को भविष्य के गर्भ के लिए छोड़ दीजिए, मैंने जवाब दिया है। कौस्तुभ मणि के अवतार कौन है, खूब बताया है मैंने। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अब आप रिप्लाई करिए, और नहीं तो फिर इन प्रश्नों को मैं भविष्य में शामिल करूंगा। और अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और एक बढ़िया प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा कि धन हृदय में रोग के समान है परंतु हाथ में औषधि के समान है? तो ऑप्शन है आपके पास, अमीर खुसरो, बहाउद्दीन जकारिया, निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी। इसके पहले कि कोई भी उत्तर मैं लॉक करूं, आपके लिए एक सूचना है, हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित है। एक छात्र 20 प्रश्न पत्रों का न्यूनतम पैकेज ले सकता है। अधिकतम जानकारियां आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सकती हैं। इस ज्ञान महायज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ के महाकुंभ में आपको शामिल होना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना रह जाए कि बाद में कि अरे सर के साथ जुड़ गए होते तो शायद मेरा भी हो जाता। आप ध्यान रखिएगा, इस समय निष्क्रिय होकर मत बैठिए, जो हो सकता है वो करिए। वो जैसे छात्रों का ये कहना होता है, सर अभी समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत व्यस्त है, ऐसा है, बहुत सारी आपकी अपनी छोटी छोटी लेम एक्सक्यूजेस हैं। ध्यान रखिएगा, जो कर सकते हैं पहले वो करिए, और फिर आप देखेंगे असंभव भी आप करने लगे हैं। मैं छोटी सी एक कथा सुनाता हूं आपको। जब भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बन रहा था
तो वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जाती है, अपनी पूंछ को समुद्र के पानी में डुबोती है, रेत में लौटती है, उसकी रेत गीली पूंछ में रेत के कुछ कण लग जाते हैं और वो जाके समुद्र में झाड़ देती है। राम ने देखा तो मुस्कुराया, गिलहरी को बुलाया, बोले बताओ ये क्या कर रही हो? बोले मैं भी पुल बना रही हूं। बोले अरे ये तो बहुत महान काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है, इन रेत के कणों से क्या होगा? गिलहरी ने कहा कि प्रभु मैं जो कर सकती हूं वो कर रही हूं, मैं बहुत बड़े पहाड़ पत्थर के टुकड़े नहीं उठा सकती, तो कम से कम मैं वो कर रही हूं जो मैं कर सकती हूं। भविष्य में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं खड़ी मूक दर्शक बनी रही। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को प्यार से उठाया, प्यार से सहलाया। ऐसे कहा जाता है कि वो जो तीन धारियां हैं उसकी पीठ पर, वो भगवान श्री राम के अनुग्रह, उनके प्रेम, उनके आशीर्वाद का प्रतिरूप हैं, उनकी उंगलियों के निशान हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थिति में, तब की जब जैसे छात्राएं कहती हैं कि सर हम तो हाउसवाइफ हैं, समय नहीं मिल रहा है, कैसे भी यू हैव टू मैनेज, अगर अभी समय नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए तो मुझे बताइए कि जब अगर नौकरी लग जाती है, आपकी जॉब आ जाएगी, तब आप कैसे मैनेज करेंगे मुझे बताइए, तब 8 घंटे की आपकी जॉब होगी, कैसे करेंगे मैनेज आप बताइए। तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए और जुड़िए। और हाँ एक बात और, आपकी तैयारी के रिवीजन के लिए ये हमारी एक इतिहास की बुकलेट है, परीक्षा उपयोगी सामग्री तैयार की है, केवल महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं, 250 पन्ने का मामला है ये, टोटल एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, क्लास के सिलेक्टेड छात्रों का, पिछले बैच से बहुत सारे छात्र सिलेक्शन में आए, कम से कम आप ये मौका मत गंवाइए, चाहे तो आप इस बुकलेट को अपनी अध्ययन सामग्री में रिवीजन बुकलेट के तौर पे शामिल कर सकते हैं। और इस प्रश्न पर नजर डालिए, ऑप्शंस 4 सामने आपके दिख रहे हैं, उत्तर मुझे बताइए और यहां पर सही जवाब होना चाहिए बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकालीन सूफी संतों में सर्वाधिक धनी संतों में बहाउद्दीन जकारिया की गिनती होती है। सुहरावर्दी सिलसिले के ये सूफी हैं जिन्होंने कहा कि धन संचय में कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते कि वो लोक कल्याण में लगाया जाए। और यही सूफी सिलसिला, सुहरावर्दी सूफी सिलसिला हमेशा से था जिसने शुरू से राज्य के साथ संबंध रखे, ध्यान रखिएगा। तो जकारिया साहब ये सिलसिला बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ, फिर निजामुद्दीन औलिया साहब वो कहते हैं कि मेरी दरगाह में, मेरी खानकाह में, माफ करिएगा, खानकाह और दरगाह में फर्क है, ध्यान है ना, मेरी खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक से सुल्तान अंदर आता है और मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूं। तो फिलहाल बहाउद्दीन जकारिया साहब को याद रखिए और अगला पढ़िए। वो बात इस प्रश्न का मतलब क्या है, धन हृदय में रोग के समान है, इसका मतलब है हाथ में औषधि के समान है, हृदय में धन रोग के समान है, मतलब केवल धन का भूत सवार हो जाए, धन इकट्ठा ही करना है तो फिर बेकार है। वो कह रहे हाथ में औषधि के समान है क्योंकि धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया जाए, ध्यान रखिएगा बड़ी बात है, धन हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है, धन हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को नजर डालिए और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो और भी अच्छा प्रश्न है भाई। भारत में योग को सीधे अपनाने वाली सूफियों की वो शाखा, आई रिपीट, भारत में योग को सीधे अपनाने वाली सूफियों की वो शाखा जिसके अनुयायी कंद मूल फल खाकर वनों में रहकर कठोर आध्यात्मिक और शारीरिक साधनाएं करते थे, कौन थे? चिश्ती, शक्तारी, फिरदौसी, मदारिया सिलसिले के। योग को सीधे अपनाने वाली सूफियों की शाखा जो जंगलों में रहकर कठोर आध्यात्मिक साधनाएं करते थे, कौन थे? और अगर आपने यहां पे चिश्ती सिलसिले को गलती से भी चुनने का दुस्साहस किया है तो गलत हो जाएगा। और ये अशतारी सिलसिला, ध्यान दीजिएगा, योग प्राणायाम संगीत चिश्ती सिलसिला है, योग प्राणायाम संगीत चिश्ती सिलसिला है। लेकिन योग को सर्वप्रथम सीधे अपनाने वाली सूफियों की वो शाखा जो वनों में रहती थी, ध्यान रखिएगा चिश्ती वनों में नहीं रहते थे, चिश्ती सिलसिले के अनुयायी नगरों में लोगों के साथ रहते थे, बात समझ में आ रही है?
वनों में रहकर कंद मूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया, वो शक्तारी सिलसिले के सूफी हैं, और मुझे लग रहा है कि गलतियां हुई हैं तो मुझे बताइएगा। दो प्रश्नों को मैंने मिला दिया है, हमेशा गलती करते हैं आप। सनक संप्रदाय और निपक संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? सनक संप्रदाय और निपक संप्रदाय। ओवरऑल संत निम्बार्क एवं दादू दयाल एवं निम्बार्क, उल्टा कर दिया, नामदेव और रामदास या फिर ज्ञानेश्वर एवं संत निम्बार्क, और जवाब सही आना चाहिए। प्रश्न कई बार पूछा गया है और यहां पे निपक संप्रदाय सनक संप्रदाय संत निम्बार्क का है और निपक संप्रदाय संत दादू दयाल का है। इसी तरह दो संप्रदाय और पूछे गए हैं, धरकरी संप्रदाय वरकरी संप्रदाय किसके हैं मुझे बताइए, धरकरी संप्रदाय वरकरी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, मैं ओवरऑल आपकी क्लास लगभग 35 से 40 45 मिनट ले रहा हूं, 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज मैं हल करवा देता हूं, 20 क्वेश्चन में लगभग आपको मैं 70-80 सूचनाएं देता हूं, हर प्रश्न में 3 से 4 नई इंफॉर्मेशन देता हूं, तो कुल मिला के आप मेरे साथ लगभग रोज 70 से 75 प्रश्न आप हल कर पाते हैं। और अगर ये 90 दिन के बाद, मान लीजिए परीक्षा होती है, 90 दिन के बाद अगर परीक्षा होती है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, रोज 70 प्रश्न, 90 दिन के बाद परीक्षा होती है तो 7×9=63, इसका मतलब हुआ 6,300 प्रश्न स्पेशल प्रश्न आपको यहां पे मिलेंगे इस क्लास में। 8:15 आपकी क्लास बहुप्रतीक्षित है, ईश्वर कृपा करें, बार बार कहता हूं कि हम लोगों की ये क्लास किसी भी कारण से भगवान व्यवधान ना आए, राधे रानी सरकार कृपा करें, मैं यही कहता हूं, आपका भविष्य बढ़िया हो जाए। और नामदेव संत की बात हो रही है, वरकरी संप्रदाय, रामदास जी की बात हो रही है, दरकरी संप्रदाय, निम्बार्क जी की बात हो रही है, सनक संप्रदाय, दादू दयाल जी की बात हो रही है, निपक संप्रदाय, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। धार्मिक आंदोलन सूफी आंदोलन से एक प्रश्न फिक्स है, यहां पे गलती करी तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी। क्यों? क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, और अब आपको वो करना होगा जो आप नहीं भी करना चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा कैसे भी, किसी भी हाल में, बैठ के लेट के खड़े होकर जैसे भी पढ़ना पड़ेगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं के मुकदमे सुनने के लिए एक हिंदू अधिकारी श्रीकांत की नियुक्ति की? कौन है भाई वो बताइए। 4 ऑप्शन है यहां पे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जवाब यहां पे जहांगीर होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और कहते हैं, न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने लगवाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। भाई आपके प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे, आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, हलचल सी मच चुकी है, आपके जितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि अब काफी एकदम हलचल सी मच गई है। इस प्रश्न को देखिए, सत्य शोधक समाज का समाचार पत्र दीन मित्रा किसने निकाला? दीन मित्रा, दीन बंधु मित्रा, ज्योतिबा फुले, बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर मुकुंद राव पाटिल? ऑप्शंस 4 हैं ही आपके पास और जल्दबाजी करी है, दीन बंधु मित्रा को चुना है तो ये गलत है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले को चुना है तो ये भी गलत है। अब इन दो में से एक है और वो है मुकुंद राव पाटिल। वो है कौन? मुकुंद राव पाटिल है ना, बढ़िया प्रश्न। देखिए तो दीन बंधु मित्रा की पुस्तक कौन सी है? वो नील दर्पण है। ये है क्या नील दर्पण? ये पुस्तक उपन्यास है, नाटक है, निबंध है क्या? तो ध्यान रखिएगा ये नाटक है, ध्यान रखिएगा ये नाटक है। और ज्योतिबा फुले साहब शिवाजी की जीवनी लिखी है और इनकी एक पुस्तक है, यू नो, गुलामगिरी। समझ आ रहा है?
बंकिम चंद्र चैटर्जी साहब के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अंडरस्टूड है। आगे बढ़ूं, ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सुमित सरकार सर की पुस्तक में है पेज नंबर 192, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, वो आपके पास कौन सा एडिशन है मुझे नहीं पता। तो मुकुंद राव पाटिल ने 1910 में अपने पुश्तैनी गांव तारावड़ी से सत्यशोधक समाज का मुखपत्र दीन मित्र मराठी भाषा में निकालना आरंभ किया। ठीक है ना, ये पुस्तक आपके पास कौन सा एडिशन है मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत पुराने एडिशन है, जब आपकी पैदाइश होगी वो तब की किताबें हैं मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है, आपका मस्तिष्क तथ्यों के संकलन को, तथ्यों के अंबार को मस्तिष्क में संरक्षित नहीं रख सकता जब तक कि वो संकल्पना कॉन्सेप्ट के साथ सेटल ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है, किसने विरोध किया और किसने उदासीनता बरती? गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ने विरोध किया और किस कांग्रेसी नेता ने उदासीनता बरती? ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, चार ऑप्शंस हैं। और यहां पे ऑप्शंस के जवाब आप दे दीजिए तो ठीक है, नहीं देते हैं तो मैं बताता हूं। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था तरुण राम फूंकन ने और उदासीनता बरती थी एनसी बारदोलोई ने। कहीं पर अगर आपने एनजी रंगा को चुन दिया तो गलत हो जाएगा। बेसिकली एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। विरोध तो होना ही चाहिए, अगर विरोध नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी दशा सही नहीं है। विरोध जितना प्रबल होगा प्रकाश उतनी प्रखरता से निकलेगा, विरोध होना ही चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, देश प्रेम धर्म है और धर्म क्या है? भारत के प्रति प्रेम है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल, क्या ऑप्शन लगा रहे हैं आप मुझे बताइए। और सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को देख लीजिए, शिव के वाहन नंदी का अवतार, ये प्रश्न अब आप कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे। शिव के वाहन नंदी के अवतार और वो है बसव, वो है बसव। तो कम से कम 15 अवतार हैं, चक्र सुदर्शन के अवतार, श्री राम की चरण पादुका के अवतार, गरुण के अवतार, कौस्तुभ मणि के अवतार। तो अब आप ढूंढिए, मैं डिलीवर करता रहूंगा धीमे धीमे। और मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस भी करी है, पता नहीं कैसे आप रिप्लाई नहीं कर पाते। देखिए इसको, कुछ महिलाओं के नाम हैं और कुछ वंश के नाम हैं। कुमार देवी का संबंध गुप्त वंश में है, यानी कि गुप्त वंश में उसका विवाह हुआ। राज्यश्री मौकरी वंश में है, हर्षवर्धन की बहन है। करुवाकी अशोक की पत्नी है, एकमात्र महिला पत्नी जिसकी जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है, करुवाकी उसके पुत्र तीवर का, तो मौर्य वंश में होना चाहिए। मालविका वो शुंग वंश की है, मालविका अग्निमित्रम आपको पता है, अग्निमित्र के साथ। तो यहां पे ऑप्शंस हैं 4, 2, 1, 3, नंबर डाल के हल करिए, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन यहां पे आ रहा है टिक करिए, वहां पर मैंने आपको मैच करके बता दिया। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना, गलतियां अब कम हो रही हैं मुझे बताइए। तो अब आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा मेरे साथ। मेरी क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, आप मेरी क्लास को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी क्लास को इतने धैर्य से सुनने के लिए
बहुत हार्दिक धन्यवाद, मुझे विदा दें और एक बार जोर से जय घोष करिए राधे राधे, जोर से बोला करिए राधे राधे, राधे रानी सरकार की कृपा आप पे बनी रहे और मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, विदा।